हेलो अस्सलामुअलैकुम। हाँ अब्दुल्ला खान भाई, सब खैरियत से? सलाम मुकम्मल क्या करो आपको? सलाम मुकम्मल क्या करो मेरे को? अबे क्या गाना गा के सलाम करें? अब्दुल्ला भाई सलाम अलैका। अब आया समझ में? मतलब अजीब पागल आदमी हो तुम्हें, मतलब अली गबर आबादा के आ गया, मतलब अपने आप को अल्लामा समझने लगे हो। अरबी का भूत तुम्हारा बेटा ऐसा उतारेंगे ना जिंदगी पर, कभी अरबी बोलने से कांपोगे लोगों के सामने, ठीक है? अरबी का भूत मेरे ऊपर ना जमाना, मैं आपको खान हूँ। मालूम मुझे, हाँ मालूम है, तो एक बार फिर से जान जाओ। अब सुनो, अब हिंदी बात करनी है या तुम्हें मतलब जैसे लोगों के साथ बकबक करते हो वैसा करना है? बकबक तो तुम कर रहे हो, मैंने सलाम सही करने के लिए कहा, कुरान से हवाला दिया। अरे तो गलत क्या है मेरे भाई? मैंने क्या मतलब वो चाइना में तुमको सलाम किया? नहीं चाइना में किया तुमको हमने? मुकम्मल करो, मुकम्मल सलाम करो। अरे पागल वागल हो क्या मेरे भाई? क्या मतलब वो रात को मतलब वो भाई वो नींद नहीं आती तुम्हें अब्बू खान के खौफ से? हैं मतलब इतना खौफ में आ गए हो, तुम्हें आदमी सलाम कर रहा है तो तुम्हें उसके सलाम में भी नुक्का चीन करना है? तुम क्या मेरे उस्ताद हो जो तुम मेरे को बता रहे हो कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो और हलक से बोलो खा खा? मतलब हम तुमसे सीखेंगे? अच्छा चलो ठीक है मेरे भाई, मेन टॉपिक की बात करो। अरबी में बात करने की तुम्हारी अभी हैसियत नहीं है, जब तुम अरबी दान बन जाना तो फिर तुमसे बात कर लेंगे, ठीक है? अरबी बात करोगे भाई? एक सवाल पूछना है, अगर तुम्हारे पास अगर हिम्मत हो जवाब देने की तो दे दो, वरना कोई मसला नहीं है। अरे मैं सवाल करने जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो कुरान हदीस से करो, पागल आदमी हो क्या? सवाल किससे करोगे तुम? अपने घर का सवाल तुम्हारे मसलक का पूछूंगा ना मेरे भाई, जो तुम्हारा अमल है जो तुम्हारा दावा है उसके ऊपर सवाल करेंगे ना तुमसे? अब्दुल्ला मेरे प्यारे भाई, हमको लग रहा है आपका बीपी हाई हो गया है, ठीक है? आप आराम से नींबू पानी पी लीजिए, आराम से खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, आराम से सुकून से बात कीजिए। एक छोटा सा बस मेरा सवाल है, एक छोटा सा मेरा सवाल है, ठीक है? एक मिनट हम बोलेंगे, एक मिनट आप बोलेंगे, ठीक? जब आप बोलेंगे तो हम बीच में नहीं बोलेंगे, जब हम बोलेंगे तो आप बीच में ना बोलिएगा, एकदम प्यार सुकून से बात कीजिए, ठीक है? हाँ तो भाई मेरा सवाल भाई एक आपके मतलब भाई आपका जो मानना था दावा था उसके ऊपर है, ठीक है? सवाल गौर से एकदम सुनिएगा, ना समझ में आए तो मैं दोबारा आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? भाई मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को, ठीक, और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ठीक है? इस चीज को मानते हैं आप? हाँ, अल्लाह ताला ने इंसानों को जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। भाई ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, तो जो ये भाई जो ये तकलीफ है ये खाली इंसानों पे वाजिब है या जो जिन है उनके ऊपर भी भाई वो उनके ऊपर भी वाजिब है? और क्या जो भाई वो जिन है क्या वो इमाम अबू हनीफा के क्या वो मुकल्लिद है? तो ये मुझे आपसे जानना था। आपका सवाल हो गया, बीच में आप बोले ना, आपको भागना मत, ठीक है? अरे भाई मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आप हो कि भागना मत, जाना मत, काटना मत, ये सब क्या बदतमीजी भाई? बदतमीजी क्या? जिन्नात भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिद है, ये मेरा भाई बेसिक सवाल है। अब जवाब सुनेगा या भाग जाएगा? तो वही तो मैं सवाल तो मेरा पहले आप समझ लीजिए, क्या जो जिन्नात है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिद है, हाँ या ना? अब मैं मेरा सवाल का जवाब फिर भाग जा तू। अरे भाई आप जवाब दीजिए तो, अजीब पागल है, भाग रहा हूँ मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए ना, अरे जवाब दो मेरे भाई। मैंने कहा जिन हमारी नजरों से गायब और जिन के बारे में हमारे को तहकीकात नहीं। अरे तो इबादत तो करते हैं ना जिन भी मेरे भाई, जिन भी तो इबादत करते हैं, तो उनको भी तो तकलीफ की कोई जरूरत पड़ती होगी, तकलीफ उनके ऊपर वाजिब नहीं है? जवाब आप इससे मैं सवाल करता हूँ, सही समाना चाहेगा।
अब्दुल्ला भाई मेरा सवाल फिर से आप एकदम ठंडा पानी पी के एक बार सुनिए, क्या जिन्नात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिद हैं, हाँ या ना, खाली इतना बता दीजिए। अरे भाई जवाब दो, अफू अफू अफू, ये अफू अफू बार बार कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, मेरे भाई जवाब तो दो। जवाब दिया ना तुझे मैंने, कहा जिन हमारी नजरों से गायब है, जिन के बारे में मुझे क्या चिंता, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप, आपने जिनको देखा है और जिन कैसा होता है, जिन क्यों नहीं दिखता है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या जिन्नात इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं या नहीं। मुझे नहीं मालूम जिन्नात के बारे में, मुझे खबर नहीं है, तो इस चीज के बारे में मुझे खबर नहीं, मैं कैसे बता दूंगा। तो खबर नहीं है तो आप क्यों लोगों को चैलेंज करते हैं, आपको मेरे भाई आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, आप तकलीफ को वाजिब कर देते हैं, बिना तकलीफ के कोई दीन पे चल नहीं सकता है, तो जिन्नात कैसे दीन पे चलते हैं, इससे साबित हो गया कि जो तकलीफ है ना वो इंसानों के लिए वाजिब है ना ही जिन्नात के लिए वाजिब है, या जबरदस्ती का आपका खाली ये मतलब लेखनबाजी है, ठीक है मेरे भाई। एक हफ्ते का आपको टाइम दे रहा हूँ, एक हफ्ते में पता करके आप बताइएगा क्या जिन्नात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के भाई तकलीफ करते हैं या नहीं, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और जनाब खैरियत से हो? हाँ इरफान चौधरी भाई, आप सुनाए जब खैरियत? बस अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है। अरे फ्री है 5 मिनट के लिए? फ्री हूँ, गैरेज में हूँ, फ्री ही हूँ समझ लो। नहीं ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, छोटा सा मतलब सवाल आ रहा था, वही आपसे मतलब जानना था। पूछो पूछो, अगर मालूम रहेगा जरूर बताऊंगा। जी असल में देखिए, अल्लाह ताला ने भाई इंसानों को ठीक अपनी इबादत के लिए पैदा किया, बेशक बेशक इसमें कोई शक नहीं, और भाई वो साथ ही साथ इंसानों के साथ साथ भाई जो हमारे भाई को जिन है उनको भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया, बेशक बेशक इसमें भी कोई शक नहीं, वहाँ खलक तुल जिन्ना वाली इंसा इल्ला लिया बुजुर्ग, बेशक भाई ठीक है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने भाई ये साफ साफ बता दिया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, बनाया, ठीक बनाया, बराबर बराबर। तो अब मेरा सवाल ये था कि जो भाई तकलीफ है ये खाली इंसानों पे वाजिब है या जो हमारे मतलब भाई जो ये जिन है उनके ऊपर भी वाजिब है, और क्या जिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिद है? जिन से तुम्हारी कभी मुलाकात हुई? नहीं। नहीं ना, तो फिर उनके बारे में क्यों सवाल करते हो? अरे मेरे भाई यही मसला है ना। हेलो, तुम इंसान हो ना, तुम इंसान वाला सवाल करो, जिन्नात वाला सवाल क्यों करते हो? अरे तो जानना तो पड़ेगा, अल्लाह के नबी ने जिन्नात के बारे में बताया है ना कि जिन्नात भी होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, उनमें अच्छे भी जिन होते हैं, बुरे भी जिन होते हैं, अन्नास भी होता है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो वही बता रहे ना, तो जिन्नात भी इबादत के लिए बने, तो इबादत में आप लोगों का मानना ये कि बिना तकलीफ के कोई इबादत कर नहीं सकता, दीन पे चल नहीं सकता, तो क्या जो ये जिन है क्या ये बिना तकलीफ के भाई इबादत पूरी कर पाएंगे? क्या ये कौन सी है, आप क्या बोल रहे हैं, मेरा समझ में नहीं आ रहा है, आपको आप सुन लीजिए, पहले आप सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा, जब आप मैं भी बोलता जाऊंगा आप भी बोलते जाओगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। इत्मीनान से बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान और भाई वो जिन्नात, ठीक, इन दोनों को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया, बनाया, ठीक है। अब भाई जो हमारे हनफी भाई है उनका कहना ये है कि बिना तकलीफ के मतलब भाई वो दीन को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, और बोलो मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हाँ नामुमकिन है, चलिए एक कॉल आपका भी हमने शामिल कर दिया। इरफान चौधरी हनफी भाई कहते हैं कि बिना तकलीफ के मतलब दीन को फॉलो करना एकदम इम्पॉसिबल है, मतलब कोई फॉलो कर ही नहीं सकता है। आमी के लिए, सबके लिए नहीं, आमी के लिए, आमी इंसानी तो होगा ना, आमी मतलब आम मुसलमान, आम मुसलमान इंसानी होगा ना। अरे भाई हाँ इंसानी होगा, वही तो बोल रहा हूँ, वही बता रहे। तो जब इंसान बिना तकलीफ के दीन से नहीं चल सकता है तो जिन्नात कैसे बिना तकलीफ के दीन से भाई वो मतलब भाई फॉलो करते होंगे? तो क्या जिन्नात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिद है, हाँ या ना, खाली इतना बता दीजिए। मेरे को तो नहीं मालूम भाई, वो मुकल्लिद है, मैंने तो कभी, मेरे तो कभी जिन्नात, तो ये दावा बातिल हो गया ना, तो इससे साबित होता है कि ना तो इंसानों के लिए वाजिब है ना तो जिन्नातों के लिए वाजिब है, तकलीफ दीन इस्लाम में आई नहीं। बात बड़ी अजीब और गरीब बात करते हो अप्पू भाई, कहा मेरे भाई अजीब गरीब बात से, आप खुद अपनी अक्ल से सोचिए मेरे भाई, जिन्नात भी इबादत कर रहे हैं, इंसान भी इबादत कर रहे हैं, इंसानों के लिए आपने तकलीफ को वाजिब कर दिया है और उसके बिना इंसान दीन पे चल नहीं सकता है,
तो जिन्नात को भी किसी न किसी की तो कोई तकलीफ करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई रूपी जिन हो, कोई शाफई जिन हो, कोई मलकी जिन हो, कोई हमली जिन हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैसे इमाम बुखारी है, इमाम मुस्लिम है, ऐसा कोई जिन भी मुहद्दिस है तो उसका नाम बताओ जरा। जो कोई मुहद्दिस है जैसे इमाम बुखारी रहमत, तो हमारा ये दावा ही नहीं है ना कि अगर दीन पे चलना है तो मुहद्दिस से मतलब करना ही पड़ेगा। बिना हदीस के कैसे हम बिना दीन? अरे हम बिना मुहद्दिस बने भी दीन पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपका दावा ये बिना तकलीफ के दीन फॉलो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। फिर वही बात कर रहे ना भाई, आप अपने दावे से अपना भागिएगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपका कॉल पूछ लिया। मैंने अपना मैं जो बात करता हूँ ना फैक्ट और फाइनल करता हूँ मैं, तो फैक्ट और फाइनल। अब आप उसमें छेड़खानी कर रहे हैं आपकी बात में ना, जो आपने फैक्ट पहले बोला था उसमें मौतिसीन नहीं था। अब बात तो सुनो, बात तो सुनो, मैं क्या बोलता हूँ सबसे भाई, पहले जिन वाले टॉपिक फाइनल हो जाए उसके बाद दूसरे टॉपिक पे। मैं जिन वाले टॉपिक पे आ रहा हूँ, मेरा मौजूद जिन वाला ही रहेगा। आपने मुझसे सवाल किया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सवाल किया आपने, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपने एक जुमला रखा था कि जैसे ये हनफी लोग बोलते हैं कि इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करनी चाहिए, तकलीफ के बिना आदमी दीन पर चल नहीं सकता, वैसे जिन्नात में भी कोई ऐसा है जो इमाम अबू हनीफा का फॉलोवर हो? हाँ, ये जानना था क्या जिन्नात भी क्या वो हनफी मुकल्लिद है? हाँ, ये आपने किया तो उसके ऊपर मैंने आपको ये कहा कि भाई हम इंसान हैं, हमको जितना जिन्नातों के बारे में किताब और सुन्नत के बारे के जरिए से बताए उतना ही हम जानते हैं। वो क्या जानते हैं? कुछ खबीस है, कुछ पाक जिन है, जिन हमारे ऐसे इंसानों में भी है, कुछ अच्छे इंसान है, कुछ कई को मतलब काफिर इंसान है। हाँ, जैसे आप इंसान को ले लो तो इंसान में अच्छे भी मिलेंगे। देखिए, इबादत दोनों के लिए एक ही है, ठीक है। जिन के लिए भी अल्लाह एक है, इंसान के लिए भी अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी इंसानों के लिए भी अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी है, जिन्नातों के लिए भी आखिरी नबी अल्लाह के नबी है। सवाल तो तकलीफ जो है अगर इंसानों के लिए वाजिब है तो जिन्नातों के लिए भी तो वाजिब होनी चाहिए भैया, मतलब ये तो दोगलापन हो जाएगा। इंसानों के लिए वाजिब है, जिन्नातों के लिए वाजिब ना हो, और इंसानों के लिए खाली वाजिब है, जिन्नातों के लिए वाजिब नहीं है, इसकी क्या दलील है? बात तो सुनो मेरी, अभी तो आप इंसानों के कायल नहीं हो तो जिन्नातों की तरफ कहाँ जा रहे हो? नहीं, जिन्नात भाई देखिए, अगर जिन्नात के ऊपर भी वाजिब है तो हमें मानना पड़ेगा ना कि इंसान और जिन सबके लिए वाजिब है। तो मैं वही उसी के ऊपर मैंने आपसे इल्जामी सवाल किया कि जिन्नातों में भी कोई मौजूद गुजरा है जो जैसे बुखारी है, मुस्लिम है, तिर्मिजी है, अपनी तो उसी का मैंने आपसे भाई आपको, अरे इरफान चौधरी भाई सुन तो लीजिए अल्लाह के बंदे, आपने कहा क्या जिन्नातों में कोई आलिम उलमा मुहद्दिसीन कोई मतलब भाई आया है गुजरा है? तो मेरा ये दावा ही नहीं है ना कि दीन में चलने के लिए आलिम बनना ही पड़ेगा। मेरा तो मानना ये, कोई भी इंसान हो अगर वो अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीम पे चलता है तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा। तो वैसे कोई भी जिन हो अगर वो अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीम को फॉलो करता है तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ तकलीफ के बिना नामुमकिन हो रहा है दीन पे चलना, तो बेचारे जिन लोग कैसे बिना तकलीफ के भाई दीन फॉलो करते होंगे? तो क्या जिन्नात भी क्या वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिद है? आपने कहा नहीं। अच्छा, तकलीफ की तारीफ बताओ। अब तारीफ आरी बहुत पुरानी हो चुकी है मेरे भाई, अब ये तो आपको मालूम है, हमें मालूम है। बताओ, चलो तारीफ करो तकलीफ की, कैसे करो तकलीफ की तारीफ करो भाई। तकलीफ उस अमल का नाम है कि किसी गहरे नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीफ है। आप जो दीन इस्लाम में जायज नहीं है, ये तकलीफ तुम करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हैं मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हमसे नहीं कहा बिना दलील किसी की भी बात मान लो। बात सुनो, आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। कितना दिन हुआ आपको एल एल बन गए? माशाल्लाह 6 साल होने वाला है। 6 साल हो गया, 6 साल में अभी मैं फिर तुम वही टॉपिक रिपीट करता हूँ। वजू की दलील दीजिए, वजू की दीजिए, नमाज की दीजिए, रोजे की दीजिए, हज की दीजिए, सबकी दलील अल्हम्दुलिल्लाह देंगे। सुनो, आप जिन्नात के ऊपर तकलीफ वाजिब होने की दलील दे दीजिए या ना वाजिब होने की दलील दे दीजिए? जनाब मोहतरम, तकरीर उसका नाम है कि किसी बादली शख्स की बात को इस गुमान पे मान लेना, उसके दलील का मुतालबा न करना कि इसके बाद दलील मौजूद है। ये तारीफ आपकी अपनी है, मुसलमान सबूत की तारीफ हम मानेंगे या आपकी तारीफ मानेंगे? जो अंति आलिमों ने की उसको मानेंगे या आपकी मानेंगे? जो तारीफ आप कर रहे हो मैं भी वही तारीफ कर रहा हूँ। मेरे नजदीक तो तारीफ भाई तकलीफ की ये है कि तकलीफ उस अमल का नाम है कि कुरान हदीस को छोड़ना और
अपने मतलब की बात को मानना। अब आप मानेंगे इस तारीख को, ये तारीफ है वो तारीफ। अब आप मानेंगे मेरी तारीफ को, सुनो तो सही। तो ना आपकी तारीफ रहेगी ना भाई वो मेरी तारीफ रहेगी। तारीफ रहेगी जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, आपके एम पी आलिम जो आपके लिए हुज्जत है, उन्होंने कहा है किसी गहरे नदी की बात को, किसी समझ रहे वो कोई बात दलील का वहाँ पे अल्फाजी नहीं है, किसी भी गहरे नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान की एक भी आयत में नहीं कहा कि हाँ तुम बिना दलील किसी की बात मान लो। ना ही अल्लाह के नबी ने तालीम दी, अल्लाह ताला ने तो तालीम दी है कि दलील से बात करो, बुरहान से बात करो, तुम इंसान हो, बतर हो, बहुत अच्छी बात। तुम्हारे पास बसीरत है, तुम लोगों को बसीरत की तरह मतलब भाई वो बुलाते हो, अंधे बंदे नहीं बुलाते हो। तो तकलीफ तो ना कुरान में ना हदीस में ना ही आपके इमाम ने कहे तकलीफ करना, लेकिन बिना तकलीफ के दीन पर चलना नामुमकिन, इम्पॉसिबल। तो जिन्नातों का भी भाई फिर पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि सारे जिन्नात जो लोग भाई तकलीफ नहीं कर रहे हैं बकौल आपके, तो वो सब तो जहन्नम में भाई जाएंगे। अब अल्लाह ही मालिक है भाई, उनके लिए दुआ करेंगे। फिर अब सुनो, 6 साल हो गए आपको एलएलबी बन के, क्या मतलब कोई अवार्ड अवार्ड आप देंगे मुझे, प्राइज देंगे? 6 साल हो गया ना आपको एलएलबी बन के। अरे हाँ, कोई अवार्ड अवार्ड देना है क्या मेरे को? मैं क्या पूछ रहा हूँ, 6 साल हुआ ना आपको बन के? अरे हाँ मेरे भाई, कोई अवार्ड देंगे, प्राइज देंगे? तो नमाज छोड़ो, गुसूल में 3 फर्ज, उसकी दलील क्या है वो बताओ। अरे कुरान की आयत है मेरे भाई। हाँ, कौन से पारे में क्या आयत है वो तो बात का मैटर है। जब गुसल की बात होगी तो इंसान तो गुसल तक नहीं है। आप जिन्नात से क्यों आगे? इसी का नाम तकलीफ नहीं। जिन्नात से आपको, अरे आपको दुश्मनी है क्या? अल्लाह के बंदे, इसी का नाम तकलीफ है कि आप इसी का नाम तकलीफ है। मतलब कोई गुसल की बात करेगा तकलीफ है, नमाज की बात करेगा भाई वो तकलीफ है। मतलब ये तो वही बात हो गई, औरत ने बच्चा पैदा कर दिया तकलीफ है, मुर्गी ने अंडा दे दिया भाई तकलीफ है। हेलो।